गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जो अच्छे होंगे और जहाँ तक उम्मीद कर सकते हो कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आपको सारे सब्जेक्टों का होमवर्क वगैरह मिल रहा होगा, क्लियर मिल रही होगी, साथ में सारे सब्जेक्टों के वीडियो मिल रहे होंगे, तो आप अपनी पढ़ाई को व्यापक रूप से सुचारू रूप से चल रही होगी। उम्मीद कर सकते हो कि आप ज़्यादा मस्ती वगैरह या मोबाइल उपयोग नहीं कर रहे होंगे, केवल पढ़ाई के उपयोग से कर रहे होंगे। आज कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय अपना 2 चल रहा है, लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 2 चल रहा है, और अध्याय का नाम रखा संघवाद, अध्याय का नाम रखा संघवाद। हमने अब तक संघवाद का अर्थ, संघवाद की विशेषताएं, संघवाद के निर्माण की प्रक्रिया, संघीय शासन, एकात्मक और संघात्मक शासन के प्रकार ऑनलाइन तक देखा, और साथ में हमने देखा कि भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है वो देखा। लेकिन हमने कल बात की थी कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था संघात्मक न होकर एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। इस कथन की समीक्षा की है, यह हमारे टॉपिक बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? संघात्मक, भारतीय संघात्मक, यह भारत में संघात्मक पूर्ण रूप से संघात्मक में होकर एकात्मकता को अभिव्यक्त हुई है, अथवा ऐसे तत्वों का उल्लेख कीजिए या ऐसी परिस्थितियां बताइए जो भारत को एक संघात्मक व्यवस्था न कहकर एकात्मक व्यवस्था की ओर मोड़ता हो, झुकती हो। तो हमारे भारतीय संघात, अब देखो पहली बात कि हम बात कर चुके हैं कि 1947 में हम आजाद हुए और एक रक्तरंजित, भयानक रक्तरंजित विभाजन के बाद भारत को आजादी मिली। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देश बने, जो विभाजन हुआ उसके बारे में हम आपको बता चुके कि धर्म के आधार पर हुआ और उसमें विस्थापन किया गया। विस्थापन होने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, मतलब विभाजन के बाद, हालांकि संविधान सभा बनी थी 26 जुलाई 1946 में, 26 जुलाई 1946 को यह तय कर दिया गया था कि भारत में एक संविधान होगा जिसका निर्माण उसके ही लोग, संविधान सभा बनेगी वो करेंगे। तो 26 जुलाई 1946 को संविधान सभा बनी, उस समय में 389 सदस्य थे। अब क्यों थे ये आपको पता है कि 26 जुलाई 1946 को भारत का विभाजन नहीं हुआ, भारत का विभाजन नहीं हुआ तो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक ही संविधान सभा का गठन किया गया जिसमें 389 सदस्य रखे गए। उसके बाद भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो हमारे पास 100 सदस्य चुने गए, पाकिस्तान चले गए और हमारे पास रह गए 289 सदस्य। 289 सदस्य भारतीय संविधान सभा में रहे और इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, भारतीय संविधान का निर्माण किया। इस निर्माण के दौरान जैसे इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनेक ऐसे नेता थे जो राष्ट्रीय नेता थे और कानून के विशेषज्ञ ज्ञाता थे, उन्होंने बहुत बड़ी मुश्किल से तय किया कि हम भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, एकात्मक व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि भारत की वो स्थिति थी, एकात्मक व्यवस्था को अपनाने से क्या होता है कि जो कि संघ की इकाइयां होती है उनको पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है, जो अलग होने का खतरा होता है। दूसरी ओर संघात्मक व्यवस्था में ये है कि तुरंत निर्णय नहीं लिया जा सकता जिससे देश खतरे में उत्पन्न हो जाता है, संकट के काल में संघात्मक व्यवस्था उपयुक्त नहीं होती है। तो संविधान निर्माताओं के सामने बड़ी कठिन स्थिति थी कि हम कौन सी विशेषता को अपनाएं, भारत को कौन सी व्यवस्था में दें।
और जिसे नाम दिया राज्यों का संघ। राज्यों का संघ भारत में भारतीय संविधान में कहीं भी संघ नाम का उल्लेख नहीं है, केवल नाम मिलेगी तो क्या है राज्यों का संघ। अब हमने जो संघात्मक व्यवस्था बनाई वो क्या बनाई कि एकात्मकता को झुका हुआ। अब वो एकात्मकता को झुका हुआ कैसे किया गया, अब देखो सुनो। पहली बात है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया। पहली कंडीशन, अगर संघात्मक व्यवस्था जो होती है उसमें क्या होता है कि जो शक्तियां होती है शासन की शक्तियां, उन शासन की शक्तियों को दोनों स्तरों की सरकार में समान रूप से बांटा जाता है, समान रूप से बांटा जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं करके क्या किया गया है कि जो शक्तियां तो बांटी गई है, शक्तियां तो संघ सूची, राज्य सूची और संबद्ध सूची, इन तीनों में बांटी गई है, तीनों में बांटी गई, लेकिन इनका दबाव पूर्ण रूप से केंद्र की ओर है। अब वो कैसे देखा कि संघ सूची के जो भी विषय, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, संघ सूची के जो भी विषय है उन विषयों पर कानून बनाने का एक अधिकार किसको प्राप्त है, केंद्र सरकार को। किसको प्राप्त है, केंद्र सरकार को। तो यहां तो राज्य सरकार का कोई हैसियत ही नहीं है, नहीं है, क्लियर, तो केंद्र के पक्ष होगा। दूसरी बात यह है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है, राज्य सरकार, राज्य सरकार को होता है, यह राज्य विधानमंडल को होता है, राइट। लेकिन यहां शक्तियां तो बाकी है लेकिन विशेष परिस्थिति जो है, देखो साहब कौन सी विशेष परिस्थिति, हम बात कर चुके थे पहले, ये एक तो अनुच्छेद 249, एक तो अनुच्छेद 249 ये कहता है कि राज्यसभा अपनी दो तिहाई बहुमत से, राज्यसभा अपने दो तिहाई बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को केंद्र सूची या राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते केंद्र सरकार, तो हुआ कि नहीं एकात्मक हुआ। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है, ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो फिर एकाधिकार होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर राज्य सरकार अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से कहे कि इसमें कानून बनाए तो वो भी कानून बना सकती है। तो तीनों कंडीशन में एकाधिकार किसका हो गया, केंद्र सरकार का। जहां एकाधिकार एक संस्था या केंद्र सरकार का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एकात्मक, क्या बोलेंगे हम, एकात्मक। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकी हुई है या नहीं, राइट, झुकी हुई है, तो ये चीज आ गई। दूसरी बात, तीसरी बात आती है संबद्ध सूची। संबद्ध सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। लेकिन किसी भी कानून में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किसी भी कानून में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसका कानून मान्य होगा, किसका कानून मान्य होगा, केंद्र सरकार का। अगर केंद्र सरकार का कानून मान्य हो रहा है तो क्या हुआ, एकात्मक व्यवस्था, क्या हुआ, एकात्मक व्यवस्था। ये चीज आ गई। अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार होता तो वास्तविक रूप में राज्य सरकार को है, जैसे कि अमेरिका ने भी संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार को दी जाती है, लेकिन भारत में क्या है, केंद्र सरकार को, किसको है, केंद्र सरकार को। तो शक्तियों के मामले में भी केंद्र सरकार मजबूत स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था संघात्मक न होकर एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। पहली कंडीशन समझ आई, राइट। दूसरा देखो,
संविधान के संशोधन करने संबंधी प्रावधान संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि जिस संविधान में संशोधन होता है वो दोनों स्तरों की सरकार की सहमति से होता है, दोनों स्तरों की सरकार की सहमति से होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संविधान में संशोधन संबंधित कोई भी विधेयक या प्रस्ताव केवल संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्य विधानमंडल में नहीं। किसमें? केवल संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्य विधानमंडल में नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम फिर कह सकते हैं कि भारत में एकात्मक व्यवस्था है। अब देखो जो संविधान में संशोधन होते हैं वो भारत में तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। एक तो होता है सामान्य बहुमत से, दूसरा होता है विशेष बहुमत से, तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की अनुमति, आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। ये भारतीय संविधान किन प्रकार से होता है? तो सामान्य बहुमत का मतलब है कि संसद में देखो वो 545 सदस्य प्लस 245 सदस्य, ये सदस्य 545 प्लस 245। अगर संसद में इनकी 10% मतलब 79 सदस्य जिस दिन उपस्थित हो जाए, जिस दिन उपस्थित हो जाए और वो कोई भी अपने बहुमत से संशोधन कर देती है तो उसे सामान्य बहुमत से संशोधन कहा जाता है। क्या समझा? कि संसद की कुल सदस्य संख्या का 1/10 गणपूर्ति के लिए 1/10 है, तो 1/10 सदस्य उपस्थित हो जाए और उनके बहुमत से अगर कोई संशोधन प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सामान्य बहुमत से कहते हैं। तो इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है राज्यों की भूमिका नहीं है, तो क्या हुआ? एकात्मकता तोड़ चुका हूं। क्या हुआ? एकात्मकता तोड़ चुका हूं। दूसरा है विशेष बहुमत। संविधान में संशोधन करने के लिए ये तीन तरीके हैं। तो विशेष बहुमत में क्या होता है कि संसद के दोनों सदन, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। संसद के दोनों सदन अपने यहां 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित कर दे, 2/3 बहुमत मतलब 66% इसका 66% से पहले लोकसभा पारित कर दे फिर राज्यसभा पारित कर दे, ऐसे पारित कर देती है तो उसे विशेष बहुमत से कहते हैं। तो इसमें भी केवल और केवल केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का कोई महत्व नहीं है, राज्य सरकार का भी कोई महत्व नहीं है। तीसरा जो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, इसमें विशेष बहुमत नहीं 2/3 से होगा, फिर हम उसको यहाँ दोनों सदनों से अलग अलग पारित होने के बाद उसे राज्यों को भेजा जाता है। राज्य अपने यहाँ 28 में तो 14 राज्य उसकी अनुमति दे देते हैं तो वो संशोधन हो जाता है। यहाँ जरूर इस स्थिति में जरूर राज्यों की थोड़ी सी भूमिका है, लेकिन पहले ऊपर क्या कह रहा है कि संविधान में संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक केवल और केवल भारतीय संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यों के विधानमंडल में नहीं, राज्यों के विधानमंडल में नहीं। तो ऐसी स्थिति में किस ओर इंगित करता है? एकात्मकता की ओर। किस ओर इंगित करता है? एकात्मकता की ओर। अगर संघात्मक व्यवस्था होती तो फिर क्या होता? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में प्रस्तुत किए जा सकते थे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर 3 राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 आदि तक 356 ये
वहां की सरकार को भंग करके संपूर्ण शक्तियों को अपने हाथों में ले लेती है, संपूर्ण शक्तियों को अपने हाथों में ले लेती है। तो ऐसी स्थिति में राज्य की जितनी भी शक्ति है वो किसके हाथों में हो जाती है, केंद्र सरकार के हाथों में। तो फिर क्या हुआ, एकात्मकता के उद्भव, क्या हुआ एकात्मकता के उद्भव। दूसरी बात, अगर देश में आर्टिकल 352 लगा हुआ है, देश राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352 में राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वह आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत लगेगा। ऐसी स्थिति में सभी राज्यों की सरकार मिलकर केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है। तो फिर क्या हुआ, एकात्मक शासन। नंबर 4, राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का एजेंट होता है, किसका, केंद्र सरकार का एजेंट होता है। कहाँ होता है, राज्य में, कहाँ होता है, राज्य में। देखिए राज्य में होता है तो जो केंद्र सरकार बोलती है वही काम ये करता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हुआ, एकात्मक व्यवस्था। तो हम ये कहते हैं, और दूसरी बात, जो अधिकार है राज्य में, केंद्र में या राज्यसभा में समान अधिकार नहीं है। जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को सीटें आवंटित की गई है, किसी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर में अपना खुद का दिया गया था, लेकिन वो 2000 अभी थोड़े दिन पहले लगभग 2016-17 में उसे समाप्त कर दिया, अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है, और वो एक केवल केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। तो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वैसे नागालैंड, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इन राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि सभी राज्यों को समान दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ भारत में किसी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, उसे विशेष सुविधा दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था न होकर केवल एकात्मकता की ओर झुकाव रखती है। तो ये हमने आज पढ़ा। अब अपना जो टॉपिक है, अपना संघीय व्यवस्था कैसी चलती है, संघीय व्यवस्था कैसी चलती है, कि भारत में
और विभिन्न भाषाओं, प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं, प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है और इसके अतिरिक्त अनेक भाषाएं हैं। इन भाषाओं को अगर महत्व नहीं दिया तो फिर क्या होता है कि संघ टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाता है, संघ टूट जाता है। इसके बाद इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।